वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में, और आज आपके लिए इस वीडियो में मैं सोनी का एक डीवीडी प्लेयर लेकर आया हूं, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्क्रीन पर पुश पावर और प्रोटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इस एरर को डीवीडी प्लेयर से किस तरीके से हटाया जाए। यह फॉल्ट वोल्टेज तेज आने से या फिर ऑडियो सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने से उत्पन्न होता है। इसकी पावर सप्लाई तो सही तरीके से वर्क कर रही है, तो चलिए अब इसके ऑडियो सेक्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो सेक्शन में शॉर्ट सर्किट को चेक करेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने पर यह पता चला कि सबवूफर के राइट वाली पिन अर्थ से शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि मल्टीमीटर बीप की आवाज़ दे रहा है। तो इसीलिए इस डीवीडी प्लेयर में पुश पावर प्रोटेक्टेड का एरर आ रहा है। चलिए फ्रेंड, अब हम यह फाइंड करते हैं कि सबवूफर की आईसी कौन सी है। इसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि जो पिन शॉर्ट बता रही है उसके बराबर वाली जो पिन है उस पर मल्टीमीटर की एक पिन को कनेक्ट करना है, और दूसरी पिन से जो आईसी लगी हुई है उनकी सभी पिनों को कनेक्ट कर करके देखना है। तो जहाँ पर भी जिस आईसी पर भी बीप की आवाज़ आ जाएगी वह आईसी सबवूफर की होगी। तो ये देखिए, मैंने रेड वाली पिन को एक पिन पर, सबवूफर की एक पिन पर कनेक्ट कर दिया है, और जो ब्लैक वाली पिन है उससे मैं इस मदरबोर्ड की जो ये आईसीज लगी हुई हैं सब पर लगाऊंगा। तो जिस भी आईसी पर बीप की आवाज़ आएगी वह आईसी सबवूफर की होगी। तो ये देखिए, सबसे नीचे वाली जो आईसी है और यहाँ पर लगाने से देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। देखिए 4-2 रीडिंग आ गई, यहाँ पर बीप की आवाज़ आई है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि मैंने काट दी है। तो सबसे नीचे वाली आईसी सबवूफर की है, और देखिए ऊपर वाली जितनी भी आईसी हैं कनेक्ट करने पर कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये आईसी सबवूफर की नहीं है, केवल नीचे वाली आईसी पर आ रही है। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर से अब आईसी हटा दी है, और जब कंटिन्यूटी मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी पीछे वाली पिन पर, तो देखिए कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा है। और जो पावर सप्लाई की वोल्टेज थी, एक 12 वोल्टेज आ रही थी
तीसरी पिन पर वह भी अब आने लग गई और एक 9.5 वोल्टेज के करीब एक वोल्टेज थी वह भी आने लग गई। इससे पहले वह आईसी शॉर्ट थी और वह इन वोल्टेज को शॉर्ट कर रही थी इसलिए वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही थी, लेकिन आईसी को हटाने के बाद ये वोल्टेज दोबारा से आने लग गई। और अब हम अपने ड्यूप्लेट को चलाकर देखते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर और मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।